Congratulations once again. Thank you very much. Really appreciate it. And it's done. Done, 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 done. ये फीलिंग भाई थोड़ा स्टाइल तो मारना पड़ेगा. How is it? You wanna be a pilot? You know, 2008 में मैं पहली बार जिम गया था. वो भी मैं गया था क्योंकि आंचल के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. तब हम लोग डेट कर रहे थे तो वो मैं काउंट नहीं करता हूँ. फिर उसके बाद 2013 में वापस जिम जाना शुरू किया मैंने. तब मैं पुणे में रहता था. तभी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था बट नॉलेज नहीं था. 2020 में मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू की थी एंड उसके बाद से आई हैव नेवर लुक्ड बैक. उसके बाद से मेरा पैशन बहुत ज़्यादा हो गया है. लेकिन कहने का मतलब ये है कि 2008 से लेके 2024 पता नहीं कितने साल हो गए बट जो भी सौ यू नो जितने भी 15-16 साल हो गए होंगे मैंने आज तक वो अचीव नहीं किया जो मैंने आज जिम में अचीव किया है. पाउंड्स एक साइड मतलब दोनों साइड मिला के हो गए 110 पाउंड्स एंड बार का वेट ऑफकोर्स होता है अबाउट 20 किलो मतलब 45 पाउंड्स. मतलब 110 प्लस 45 155 पाउंड्स इज लाइक क्रेजी 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 इनसेन अचीवमेंट. मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट. मतलब यार आप सोचो मेरे बॉडी वेट का मेरा बॉडी वेट है अबाउट 60 kgs और मैंने लिफ्ट किया है अगर उसको पाउंड को मैं केजी में कन्वर्ट करूँ मैं यहाँ लिख दूंगा नीचे बट जहाँ तक यू नो अंदाजा बता रहा हूँ मैं आपको अबाउट 70 किलो होता है अबाउट 70 kgs. 60 kg का बंदा 70 kg बेंच प्रेस कर रहा है. आई नो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ये बहुत बुरा भी नहीं है. इतना ज़्यादा अच्छा फीलिंग लग रहा है. एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट लग रहा है कि मैंने इतने सालों में नहीं किया जो मैंने आज किया है. सो एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और ऑनेस्टली बताऊँ मैं डायरेक्टली इस पे नहीं आया था. मैं एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. ये कोई कंपैरिजन नहीं है कोई कंपटीशन नहीं है. आई एम श्योर आप मुझसे ज़्यादा कर सकते हो या आप मुझसे कम कर सकते हो. द पॉइंट ये है कि मैंने ये जो अचीव किया है मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अचीव किया है. मैं आज जब शुरू किया था मैंने सीधा जाके क्या 55 पाउंड्स का वेट नहीं उठाया. मैंने उठाया सबसे पहले खाली बार फिर उसके बाद 10 पाउंड 15 पाउंड 25 पाउंड 30 पाउंड एक साइड पे बात कर रहा हूँ मैं. एंड तब जाके जब पूरा मेरा ये जो वार्म अप सेट हो चुका था उसके बाद मैंने उठाया है 55 पाउंड्स ऑन वन साइड विच इज अबाउट 110 पाउंड्स. ओ माय गॉड आई जस्ट आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये आज अचीव किया है. सो आई एम क्वाइट श्योर आज का दिन शुरू अच्छा हुआ है तो आगे का दिन भी बहुत अच्छा होगा. वैसे आज बहुत दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं जिसके बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा. व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. देखो भाग के जा रही है टूटू. आज मैं नहीं जा पाया उसको छोड़ने के लिए क्योंकि लेट हो गया था हम लोगों को. मतलब इतना लेट नहीं हुआ है लेकिन अगर मैं पार्क करने बैठता एंड देन उसके बाद में फिर मैं उसको जाके छोड़ने जाता अंदर तो डेफिनेटली लेट हो जाता था. तो मैंने इसलिए कहा कि एक काम कर मैं बिल्कुल गेट के सामने पार्क करता हूँ और भाग. टूटू को मैंने बोला भागने के लिए तो वो जल्दी जल्दी पहुँच गई. एंड गुड पार्ट देखो अभी भी गेट ओपन है. कुछ बच्चे अभी भी अंदर गए हैं तो ये भाग के जा रही है एक और बच्ची. सो आई थिंक वी आर गुड. तो ये लड़की के लिए आज बनाया है ब्रेड ऑमलेट नहीं क्या है ये फ्रेंच टोस्ट. और जैसे इसने देखा कि मेरा नाश्ता रेडी है इसने सब मेरे हाथ में थूक दिया. जो खा रहा था पूरा थूक दिया. अब देखो वापस से डाल रहा है मुंह में लेकिन मुझे पता है ये सब मेरे हाथ में थूक देगा क्योंकि इसको ये पीना होता है. क्या चाहिए आपको? हाँ खाओगे नाश्ता खाओगे नहीं खाओगे ये पियोगे ये चाहिए आपको? हाँ देखो उसको वो चाहिए. यस यस आ जाओ कार आ जाओ. सो अगर आपको याद हो कि मैंने आज सुबह आपको बताया था कि मेरे को दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम करने में आ गया हूँ. और मेरे साथ देखो कौन आया है. ये हमारे छोटे उस्ताद टिक्की भी आई है. हाय से हाय टिक्की से हाय. हाँ पता नहीं क्या बोलना चाहता है. एनीवेज आई थिंक मैं एक जो पहला काम मैं करने आया हूँ आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी गेस कर चुके रहोगे जो हमारी जर्नी बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं जो हमारे वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. और अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हो और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली
हम लोग आए थे कनाडा आज से 3.5 साल पहले और पीआर पर आए थे, एंड यहाँ पर आने के बाद 15 अप्रैल को हमारी सिटीजनशिप हो गई है। तो इसीलिए अभी मैं आया हूँ सर्विस कनाडा अपना कनेडियन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, जिसके डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए थे एंड फोटोज वगैरह सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। तो अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और अप्लाई करते हैं। Proof of parentage, birth certificate. Yes. Birth certificate is good? Yeah. Every time I see people born from India, okay, I want to say my dad's Indian too. Oh, really? Like, he was born in Karachi, but it was then India, now it's Pakistan. And how long back did he migrate? 1943. Wow. So that was well before the actual partition happened between India and Pakistan. Wow. So on his passport, it says Pakistan. Wow. Well, I was surprised myself when you said that, because you don't look any traits of Indian or Pakistani. Yeah, my jeans, the white side. They took the white side. Yeah. Okay, this one's back. This one goes right in my wallet. It's going to be 377 in total. These reference numbers, I'm sure you know this website really well, Canada.ca. Oh, of course. Yeah, who doesn't know that? Yeah. Congratulations once again. Thank you very much. Really appreciate it. It's a big day. I know. All right. Okay. Thank you very much. Yep. Thank you. It's done. Done. क्या feeling है यार? It's an amazing feeling. Passport apply हो गया है. एक passport का cost है $160 for an adult, और two का लगा I think about $57, which was not bad. ये 10 year का passport है. ये normal speed पे अगर मैं तत्काल में करता था तो एक पासपोर्ट जो 160 का है वही आई थिंक अबाउट 330-340 पड़ रहा था। सो यहाँ एक का पैसा भरने पे मेरे को ऑलमोस्ट तीनों का पासपोर्ट मिल गया। सो आई वाज लाइक यार कोई जल्दी नहीं है, इट मेक्स मोर सेंस टू वेट एंड देन टेक द पासपोर्ट। वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, फाइनली दिस इज डन। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग। जल्दी चलते हैं घर और आंचल को खुशखबर देते हैं और देखते हैं आंचल का कैसा रिएक्शन है। ये देखो आ गया, जैसे घर के अंदर घुसा देखो कैसा भाग के आया है। आंचल बधाई हो भाई, बधाई हो। ये लो रिसीट हो गई है, पासपोर्ट अप्लाई हो गया है। फाइनली इट्स डन। बहुत ज्यादा टाइम लगा। मैं अगर वेट टाइम के बारे में बताऊं, वहां पर जब मैं गया था तो आ जा इस लड़के की भी कहानी सुनाता हूँ। आ जाओ। जब मैं वहां पर पहुंचा था आई थिंक अराउंड 12 बजे थे, लाइन में खड़ा रहा मैं 1.5 घंटा एंड देन उसके बाद मेरा नंबर आते आते और पूरा प्रोसेस करते करते आ जा पूरा प्रोसेस करते करते ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए। तो टोटल मिला के मेरे को 3-4 घंटे लग गए। अब देयर वाज नो ऑप्शन कि मैं इसको 4 घंटे लेके बैठूं वहां पर, तो मैंने घर पे डिलीवर होएगा टोकन सिस्टम था, टोकन लेके मैं फटाफट घर आया, इसको छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ये लड़का 3-4 घंटा अगर रुकते ना तो वहां पे पागल कर देता था। और तुम कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? बोले घर पे डिलीवर हो जाएगा। यस, घर पे डिलीवर होगा। तो अभी डेट दिया है उन्होंने अराउंड 8 मई का। सो अभी आज का पहला काम डन, नाउ ऑन टू द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड जो दूसरा काम करना है उसके लिए आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे मोटरसाइकिल निकाल ली अपनी। तो जैसे आपने टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा, मैं जा रहा हूँ अपने किसी एक फ्रेंड से मिलने। वो एक बाइकर फ्रेंड है और मैं उससे क्यों मिलने जा रहा हूँ, क्या काम है मेरा उससे, तो ये सारी बातें जो है जल्दी से गियर पहनते हैं और आपको मिलता हूँ मैं बाइक पे। ऑलराइट, टाइम हो गया है देखो कितना, 6:10। मैंने उसको 6 बजे का बोला था अपने दोस्त को मिलने का, लेकिन ऑफिस का काम चल रहा था तो वो ख़त्म करते करते थोड़ा लेट हो गया। काफ़ी दिनों के बाद वापस से बाइक पे बैठने का मौका मिल रहा है तो फीलिंग एंड एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, दिस इज़ म्यूज़िक यार। एंड इसके पहले कि हम निकलें एक बार एक लुक देख लो मोटरसाइकिल को, क्या कमाल लगती है यार। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल बाइक। आराम से भाई, इस मोटरसाइकिल में बहुत पावर है। मैंने कुछ ज़्यादा पता है गियर वेयर भी पहना नहीं है, आप देखो मैंने शूज़ भी ऐसे नॉर्मल से डाले हैं क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं उसका घर, तो मैंने कहा यार इट्स ओके एंड बहुत लेट हो गया था। ओहो भाई साहब पैर ठंडे पड़ गए यार, ऑलरेडी काफ़ी ठंडा है। वैसे यू नो वेदर है अबाउट 15 डिग्री, लेकिन विंड इतनी ज़्यादा चल रही है ना, विंड चिल्स बहुत ज़्यादा है। गुड पार्ट मैंने ये जैकेट जो है, ये नीचे मैंने एक मोटा वाला हुडी पहना हुआ है तो उससे मेरे को चेस्ट में ठंडा नहीं लग रहा है, फेस पे ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को टांगों में ठंडा लग रहा है। मेरे शूज़ नहीं पहने हैं मैंने। एक्सेलरेशन है भाई साहब, ये जो जूते हैं ना, रनिंग शूज़ है ना, इसमें पूरी हवा हवा लग रही है ना, पूरी हवा अंदर जा रही है शूज़ के।
आई कॉन्ट ब्लॉक द, हाँ देखो ये मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया, इंटरसेक्शन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। सभी अपने को आगे से लेफ्ट ही लेना है। अभी देखो जिस बंदे से मैं मिलने जा रहा हूँ ना, अपना खास दोस्त है और मैं उसको मिला यहीं पर कनाडा में ही हूँ मोटरसाइकिल करते करते ही। लाइक मेरा मोटरसाइकिल बड़ी है वो, एंड उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जो आई एम श्योर आपने अब तक नाम पढ़ के, टाइटल में नाम पढ़ के समझ ही लिया होगा। भाई मेरा टर्न है, पहले जाने दे मेरे को। बाजू हट जा भाई, ये फीलिंग भाई पूरी दुनिया की कोई गाड़ी नहीं दे सकती ऐसा लगता है। नहीं स्पोर्ट्स कार दे सकती है मेरा मतलब, बट स्पोर्ट्स कार अपनी जगह पे और ये मोटरसाइकिल अपनी जगह पे है भाई। अभी भी मौसम थोड़ा ठंडा है यार, 15 डिग्री। आई मीन या यू कैन थोड़ा और हीटेड गियर खरीद के बंदा पहन के चला सकता है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा सी मेरे लिए क्या पता है, राइडिंग हैज़ टू बी फन। अगर वो ठंडी लग रही है और वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो एक स्ट्रगल फील हो रहा है, तो देन इट्स नॉट फन एनी मोर, राइट? सो आई यूजली टेंड टू काइंड ऑफ स्टेप आउट जब अच्छा खासा गर्म होता है या हवा कम होती है, बट या तो मेरे को कुछ और हीटेड, खैर मुझे आज ज़्यादा लग रही है क्योंकि देखो मैंने जूते पहने, लेस भी खुल गई है, मैंने जूते पहने उस वजह से थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है, अदरवाइज इतना ठंडा नहीं लगता है। मेरे वो जो शूज़ होते हैं वो अच्छे शूज़ हैं जो मैंने आई थिंक लास्ट टाइम खरीदे थे। अगर आप नए हो इस चैनल पे और आपको नहीं पता है तो मैं वो वीडियो लिंक कर दूंगा ऊपर, ज़रूर चेकआउट करना, जब मैंने जाके अपने नए शूज़ और नए जैकेट खरीदे थे। एल्पाइन स्टार का जैकेट खरीदा था, RST के शूज़ खरीदे थे, डेफिनेटली चेकआउट करना उस वीडियो को। नेबरहुड तो बहुत प्यारा है यार अपने भाई का, और ये सेम हमारी एरिया है हैमिल्टन में ही, मैंने यहाँ पे अब तक आया नहीं हूँ एक भी बार। व्हाट अ शेम मैन, व्हाट अ शेम। Oh my god, the brother's here! Yeah! थोड़ा स्टाइल तो मारना पड़ेगा। How are you, brother? All well, all well. How's it going? Good. All good? All good. So there he is finally. And there he is finally. ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, अपना भाई सैकत। सो आप लोगों को जैसे मैं बता रहा था, आई थिंक मैं काम करता हूँ, हेलमेट उतारता हूँ। हेलमेट्स ऑफ एंड मीटिंग माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मेरा भाई सैकत। सो गाइस सैकत से मिलो। मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ एक किसी से मिलने, आपने ऑलरेडी टाइटल में पढ़ लिया होगा मैं किससे मिलने आ रहा था। अब मैं क्यों मिलने आ रहा था वो सारी कहानी आपको अंदर चल के बताते हैं, लेकिन सबसे पहले भाई को ऑलरेडी, अगर आपने इसका चैनल फॉलो नहीं किया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसका भी यूट्यूब चैनल है राइडिंग इन DNA, थैंक यू राइडिंग इन DNA, द ब्रदर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसके वीडियोस एंड ऑफ कोर्स इसका मोटरसाइकिल, इसकी मोटरसाइकिल भी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस गाय राइड्स अ बैडएस सुजुकी जिक्सर 1000 and just check this motorcycle out, what an amazing motorcycle, what a beauty it is। देखो मेरी बाइक के सामने definitely, मतलब मेरी बाइक बहुत हल्की है यार, इस बाइक के सामने ये है गरीब सी 600 650 cc। all the bikes in the world are special, oh yes, every bike is special in their own way, 100% this bike can do stuffs which that cannot do. Oh. You will have way more fun on this bike in city, on the track, on the twisties, way more than that one। अगर मैं मेरी बीवी को सुना दूंगा ना ये, तो वो मेरे को 1000 cc कभी खरीदने नहीं देगी, तो ये मैं एडिट कर दूंगा। नहीं चलो जल्दी से अंदर ले चलते मोटरसाइकिल को। जो जैसे मैंने बताया आपको, एक छोटा सा काम है और मेरे को भाई ने बताया है कि ही इज गोना हेल्प मी आउट, वो सारा डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, पहले मोटरसाइकिल को अंदर ले लेते हैं। अभी देखो खुद का गराज होता है ना अगर, तो इट्स सो ईजी टू वर्क ऑन योर मोटरसाइकिल। नहीं नहीं मैं सिर्फ गराज के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पर एक्चुअली सीन कैसा हुआ ना, आई थिंक अबाउट एक हफ्ते पहले मैंने इसको मैसेज किया सैकत को, और मैंने सैकत को बोला यार सैकत तू मोटरसाइकिल सर्विस कहाँ से कराता है, और उसने एक जगह का नाम लिया। एंड देन मैंने बोला यार यहाँ मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया, एंड दे कोटेड मी लाइक अबाउट $600 फॉर जस्ट अ सर्विस, पार्ट्स वर एड ऑन, मतलब अगर मुझे ऑयल चेंज कराना है तो ऑयल का कॉस्ट मेरे को अलग से पे करना पड़ेगा, सिर्फ सर्विस का लेबर का कॉस्ट $600 बोला। मैंने बोला भाई दिस इज टू डे लाइट रॉबरी, इतना तो मैं खर्चा करूंगा नहीं। तो इसने मेरे को बोला तेरे को कराना क्या है, मैंने कहा देख मेरे को इंजन ऑयल चेंज कराना है और इंजन ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, जो मेरे को खुद से आता है करने, जो मैंने लास्ट टाइम भी किया हुआ था, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मेन है मेरा ब्रेक्स का, मेरे को ब्रेक्स जो है ब्लीड कराना है, जो ब्रेक फ्लूइड रहता है वो धीरे धीरे ना गंदा होता जाता है। तो मैंने सोचा कि यार एक बार उसको क्लीन करा देंगे या क्लीन कर देंगे ना, नया ऑयल डाल देंगे, तो देन इट्स गोना लास्ट मी लॉन्गर। तो इसने बोला यार इतना छोटा सा काम है मेरे पास आ जा।
तो मैं आ गया सीधा अपनी बाइक उठा के भाई के पास, मैं बोला सैकत प्लीज हेल्प कर देना। तो देखो अभी हमने ऑलरेडी ये ब्रेक का जो फ्लूइड है ऑलरेडी खोल दिया है, आप अगर ऊपर देखोगे तो ये अभी तो हमने टॉपअप किया है, वैसे लोअर पे था, अब भर भर के हमने इसको ऊपर तक लाए एंड देन अभी पूरा ब्लीड का प्रोसेस खत्म कर दिया है। अगर आपको डिटेल में देखना है, एक साइड का कर दिया, अगर आपको डिटेल में समझना है, इफ यू आर अ मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट एंड इफ यू वांट टू नो कि यार मोटरसाइकिल ब्रेक्स ब्लीड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो सैकत के चैनल पे, उसके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और यहाँ पर आपको ऑलरेडी अभी फ्लैश भी हो रहा होगा। A few hours later. अभी हम में से कितने लोगों ने ये किया होगा कि हम गए हैं सब्जी वाले का सब्जी खरीदने के लिए और साथ में हम धनिया फ्री ले लेते हैं, हम साथ में मिर्ची फ्री ले लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज फ्री में उठा ही लेते हैं। तो देखो मेरा भी वही हाल हुआ है, मैं आया था यहाँ पे सिर्फ ब्रेक्स ब्लीड कराने के लिए, लेकिन सैकत ने मेरे को कन्विंस कर लिया कि डीबी किलर भी निकाल ले। तो ये देखो डीबी किलर मैंने निकाल लिया है, मैं आई विश मैंने ना डीबी किलर निकालने के पहले साउंड रिकॉर्ड किया होता, लेकिन आपको अगर किसी और वीडियो में सुन लेना आई एम श्योर आपको पता रहेगा, या यू नो आप अगर फॉलो कर रहे होगे बहुत पहले से तो आई एम क्वाइट श्योर आपको पता होगा कि बाइक का साउंड कैसा हुआ करता था पहले। लेकिन अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, अब आपको डिफरेंस पता चलेगा क्या है बाइक का। अब आते हैं स्टार्ट करते हैं इसको, ये अभी डीबी किलर निकाल दिया है एंड लेट्स स्टार्ट दिस मोटरसाइकिल एंड 3, 2, 1 लिसन टू दिस साउंड। I don't know, आपको कितना पता चल रहा है डिफरेंस, मैं यहाँ पे इन पर्सन में सुन रहा हूँ इतना ज्यादा डिफरेंस है इसमें, बहुत ज्यादा बेसी हो गए एंड मजा आ रहा है सुनने को, मतलब अभी बाइक चलाने को और ज्यादा मजा आने वाला है एंड बाइक उतार दी है स्टैंड पे से। सो भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द वर्क यू डिड, मतलब आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू इनफ, क्योंकि यार देखो $600 बचाए मेरे भाई ने, तो यस 100% थैंक यू, 6 बार तो थैंक यू बोलना पड़ेगा, इतना तो बनता है नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच, मैं राइड करके डेफिनेटली बताता हूँ कि मेरे को कितना डिफरेंस लग रहा है ब्रेक में एंड आई एम क्वाइट श्योर फर्क तो लगेगा, बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पुराना ऑयल विच इज आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो ये पुराना ऑयल है विच इज इतना ज्यादा काला हो गया था फ्रंट में और रेयर में दोनों में, तो आई एम क्वाइट श्योर। और ये देखो ये है न्यू ऑयल, आई डोंट नो आपको अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्लियर इतना, लेकिन काफी ज्यादा पेल येलो कलर का हो गया है, जब ब्लीड कर रहे थे ब्रेक्स को तब वी कुड सी देयर वाज अ बिग डिफरेंस जो बाहर निकल रहा था ऑयल वर्सेस जो हम डाल रहे थे, सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बाइक का जो ब्रेकिंग है वो काफी इंप्रूव हो गया होगा। ऑलमोस्ट 8:45 हो गया है, वेदर बहुत ठंडा हो गया है बाहर, 16 डिग्री दिखा रहा है मेरे को लेकिन 16 है नहीं आई एम श्योर, उससे ज्यादा ठंडा ही है, 16 is here inside. बाहर अराउंड 9-10 डिग्री है, तो और मैंने आपको बताया कि मैंने राइडिंग बूट्स भी पहने नहीं है आज, सो अभी जल्दी घर भागते हैं और आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं इसका फीडबैक है मैं आपको अगर डाल सकूं अभी वीडियो में, क्योंकि अंधेरा हो गया तो आई डोंट नो मैं ब्लॉक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कर पाऊंगा तो मैं डाल दूंगा, अगर नहीं कर पाऊंगा सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, इसको शेयर करिए आप किसी भी अपने एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कॉमेंट्स कीजिए और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड राइड सेफ। थैंक यू सैकत भाई, चलो मिलते हैं जल्दी अपन, ठीक है, यस थैंक यू यस। आई डोंट नो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, बट बिलीव मी इतना ज़्यादा बेसी हो गया है, इतना ज़्यादा पंच आ रहा है, एक बेस जो आता है ना ऐसा लग रहा है, मतलब जाओ एकदम हैवी हैवी वैसा आवाज़ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच सैकत भाई, और मैं ब्रेक ट्राई करता हूँ, देखो ब्रेक भी आई कैन फील इट्स अलॉट बेटर, मतलब काफ़ी पंची हो गया है ब्रेक भी, सो आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस, बाइट अच्छी आ गई है ब्रेक में, सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस। अभी जल्दी चलते हैं घर।